अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मैं अयाज और आप देख रहे डिजिटल स्टूडियो पा रही हूँ। यहाँ पे मिलता है आप लोग को एवरीथिंग पर ग्राफिक डिज़ाइन एवरीडे। सो फ्रेंड, आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने जा रहा हूँ कॉलेज फोटो इफेक्ट टेम्पलेट PhD। सो दोस्तों, ये मैंने इसके लिए थंबनेल बनाया हुआ है, तो ये थंबनेल मैं यूज़ करूँगा अपनी वीडियो पे। तो इसमें आप लोगों को मिलेंगे 30 PhDs। तो ये सारे PhD फुल एडिटेबल है, तो आप लोग इजीली एडिट कर सकते हो इसको। तो अभी मैं इसको एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। जिस तरह कि आप लोग को मालूम है, मेरे सारे फाइल पासवर्ड प्रोटेक्टेड होते हैं, तो पासवर्ड के लिए आप लोग को सबटाइटल CC ऑप्शन ऑन रखना पड़ेगा। तो सिंपल सा मैंने यहाँ पे पासवर्ड पेस्ट कर लिया है, क्लिक ओके। तो ये एक्सट्रैक्ट हो गया है। तो सिंपल सा मैं अभी आप लोग को दिखा देता हूँ। इसमें 30 PhD आप लोग को मिलेंगे फुल एडिटेबल। तो फ्रेंड, आप लोग देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पे कि ये किस तरह से आप लोगों को लग रहे हैं। मुझे तो बहुत पसंद आ गई ये PhD। तो फ्रेंड, स्टार्ट करने से पहले जो दोस्त मेरे चैनल पे नए आए, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करें, ताकि इस तरह के और भी वीडियोस आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। तो फ्रेंड, चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक PhD ये वाली यूज करेंगे। सो फ्रेंड, आप लोग देख सकते हो मेरे स्क्रीन पे पिक चेंज हियर, और नीचे लिखा हुआ आप लोग को नजर आए डोंट एडिट। तो फ्रेंड, सिंपल सा आप लोगों ने यहाँ पे पिक्चर चेंज करनी है। डबल क्लिक करके यहाँ पे आप लोगों ने पिक्चर चेंज करनी है। तो मैं पिक्चर इसके लिए अभी कौन सा यूज करूं, तो सिंपल सा ये पिक्चर मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया है। तो अभी मैं ऐसे एडजस्ट कर लूंगा अपने हिसाब से, और उसके बाद डबल क्लिक कंट्रोल आल्ट प्लस जी, तो ये क्लिप मास्क में ऐड हो गया है। कंट्रोल एस, तो सिंपल सा आप लोग देख सकते हो बहुत ही प्यारा इफेक्ट है, फुल इजीली चेंज हो गया है। तो इसके बाद आप लोग इसका बैकग्राउंड भी ख़त्म कर सकते हो, अगर बैकग्राउंड ख़त्म करना चाहते हो, और बैकग्राउंड के साथ ही लगा सकते हो। तो सिंपल से यहाँ पे कंट्रोल आल्ट प्रेस एस, तो यहाँ से आप लोग सेव कर सकते हो। सेव एज कौन से फाइल पे करना है, तो आप लोग कर सकते हो JPG, PNG, ये सब फाइल आप लोग सामने नजर आ रहे हैं। तो इस तरह से आप लोग इसको चेंज कर सकते हो। तो मैं इसको अभी तो इसके बाद एक ये वाले इफेक्ट भी है। तो फ्रेंड, यहाँ पे भी आप लोग सामने नजर आ रहे पिक चेंज यार, और नीचे डोंट एडिट। तो आप लोग यहाँ पे पिक्चर चेंज करनी है, तो सिंपल सा मैं पिक्चर में चला जाता हूँ। तो यहाँ से कंट्रोल आल्ट जी कंट्रोल एस, तो सिंपल सा आप लोग देख सकते हो यहाँ पे इमेज शो हो गया है। तो इससे भी आप लोग बैकग्राउंड ख़त्म कर सकते हो, सिंपल सा आप लोग देख सकते हो मेरी स्क्रीन पे। और दूसरे इसके भी सेव करने का तरीका हुई है कंट्रोल आल्ट एस, तो यहाँ से आप लोग जिस फाइल पे सेव करना चाहते हो उस पे सेव कर सकते हो। तो फ्रेंड, कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आप लोग कैसी लगी है। और अभी मैं दूसरा फ्रेम भी आप लोग को दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड, ये इसमें मैं आप लोग को चेंज करने का तरीका भी सिखाऊंगा किस तरह चेंज करना है। मैच चेंजर, और ये आप लोग सामने नजर आ रहा है डोंट एडिट। तो यहाँ से आप लोग सिंपल सा मैच चेंज करोगे, तो
तो सिंपल सा आप लोग देख सकते हैं कंट्रोल अल्ट जी, ये सेव हो गया है। तो इसके बाद पिक टू, कंट्रोल अल्ट जी, कंट्रोल एस। तो सिंपल सा आप लोग देख सकते हो ये पिक्चर भी यहाँ पे ऐड हो गया है। तो इसके बाद पिक्चर थ्री, कंट्रोल अल्ट जी, कंट्रोल एस, ये भी यहाँ पे चेंज हो गया आप लोग देख सकते हो, कंट्रोल एस। तो ये आप लोग देख सकते हो थोड़ा बहुत रिसाइज कर लिया यहाँ से मैंने, तो ये भी बराबर हो गया, फ्रेम के अंदर बराबर पिक्स आ गया है। तो ये फ्रेम फोर, पिक्चर फोर। तो सिंपल सा ये भी चेंज कर लेते हैं जल्दी जल्दी से। कंट्रोल अल्ट जी, कंट्रोल एस, 1 मिनट, कंट्रोल डी, डी सेलेक्ट, कंट्रोल एस, इससे हो गया। तो आप लोग देख सकते हो बहुत ही जबरदस्त एल्बम है ये। तो इसका तरीका भी वही है, कंट्रोल अल्ट एस। तो यहाँ से आप लोग सेव कर सकते हो जिस फाइल पे सेव करना चाहते हो। तो सिंपल सा तभी मैं सारे आप लोग को दिखा देता हूँ। तो ये सारे इस तरह से एडिटेबल है, ये फोटोशॉप में मैं ओपन कर रहा हूँ अभी। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करना, जो नए बंदे आए मेरे चैनल पे तो वो जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह की और भी वीडियोस आप लोग तक मैं अपलोड करता रहूंगा, तो आप लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो ये अभी इस तरह से आप लोग सामने नजर आ रहा है, ये 6 पिक्चर इसमें चेंज होंगे, तो आप लोग सामने सीधा नजर आ रहा है, डोंट एडिट इमेज चेंज हियर, फ्रेम 29 में ये तो मैंने ऐड कर लिया है। तो इसमें जो है आप लोग सामने नजर आ रहा है, ये 4 पिक्चर चेंज होंगी, 28 नंबर PSD जो है, 27 नंबर PSD, इसमें भी 4 इमेजेस हैं। तो ये सिंपल सा आप लोग चेंज कर सकते हो। तो ये सारे PSD इस तरह से फुल एडिटेबल है। तो फ्रेंड कमेंट में जरूर बताइएगा कि वीडियो आप लोग कैसी लगी है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करना। तो फ्रेंड अभी मुझे दीजिए इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।